चाहे घमंड शरीर के बल का हो या धन का हो या गाड़ी का हो या साड़ी का हो या अच्छे मकान का हो या अपनी मूर्खता का घमंड हो। अभिमानस्थ और जिसको अभिमान आता है, बहुत अभिमान है कि मैं ही सब कुछ हूँ, वो व्यक्ति राक्षस है। रावण को राक्षस क्यों कहा गया? उसको अभिमान भी बहुत था और घमंड भी बहुत था, और रावण दिखावा भी बहुत करता था। क्रोधा पारुष्य में योचा, और जिसे बहुत क्रोध आता है, अनावश्यक क्रोध, खाम खा क्रोध आता है। सुनपैरी आश्रम में एक भक्त आया, कह रहा था अकारण क्रोध आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। तो उसकी पत्नी पड़ोस में खड़ी हंस रही थी। मैंने उसकी पत्नी से पूछा, तुमको भी क्रोध आता है? बोले, हमारे हिस्से का इन्हीं को आ जाता है। हमारे हिस्से भी यही कर लेते हैं। तो मैंने कहा, तुम हंस रही हो? बोले, अब इनके साथ फंस गई तो हंसती रहती है, इनकी क्रोध को सहती रहती है, क्या करें, अकारण क्रोध आ रहा है। जब अकारण क्रोध आने लग जाए तो समझ लेना तुम्हारा कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि विचारकों ने क्रोध को आंधी कहा है, तूफान कहा है। आंधी जब आती है उस समय पता नहीं चलता है कितना नुकसान हुआ है, लेकिन तूफान जब चला जाता है उसके बाद पता चलता है कितने घर गिर गए, कितने पेड़ गिर गए और कितने जानवर मर गए, चिड़िया मर गई। ये आंधी तूफान चले जाने के बाद पता चलता है। ऐसे ही जब क्रोध की आंधी आती है उस समय पता नहीं चलता है क्या नुकसान हुआ, लेकिन क्रोध की आंधी जब शांत हो जाती है तब तुमको पता चलता है कि तुम्हारे क्रोध के कारण तुम्हारा घर भी बिगड़ गया, व्यवस्था बिगड़ गई, बिजनेस बिगड़ गया, सर्विस भी छूट गई और तुम हीरो से जीरो हो गए। एक क्रोध मनुष्य को जीरो पर लाकर खड़ा कर देता है, इसलिए क्रोध को कृपया कंट्रोल रखना चाहिए। कितने लोगों के अंदर बहुत गुस्सा भरी हुई है, चिड़चिड़ करते हैं, चिड़चिड़। छत्तीसगढ़ी भाषा में जो बहुत गुस्सा करता है उसको बोलते हैं ये चिड़चिड़ बहुत करता है, चिड़चिड़। और आजकल लड़कियां भी बहुत चिड़चिड़ करती हैं और लड़के भी चिड़चिड़ करते हैं। 7 साल का बच्चा भी चिड़चिड़ करता है, 9 साल की लड़की भयंकर चिड़चिड़, अब्बड़ चिड़चिड़ करती है। अब क्यों चिड़चिड़ करते हैं, इसका कारण क्या है? कारण ये है, उनको अपनी मनमानी करने को मिलता नहीं है। मनमानी घूमना चाहते हैं, मनमानी मोबाइल चलाना चाहते हैं, मनमानी स्कूटी चाहते हैं लेकर घूमूं, मनमानी कपड़ा पहनना चाहते हैं। जब उनको अपने मन की करने को मिलता नहीं है तो वे चिड़ 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 करने लगते हैं। और उनके जब मित्र मिलते हैं, सखियां मिलती हैं, सहेलियां मिलती हैं, दोस्त मिलते हैं तो ऐसे मुस्काते हैं, लगता है शक्कर घोल दिया है, मीठी मुस्कान, तेरी मंद मंद मुस्कनियां बलिहार जाऊं रे, ऐसे मुस्कराते हैं, माँ बाप से चिड़चिड़ करते हैं। और जो बालिका माँ बाप से चिड़चिड़ करता है, धीरे धीरे माँ बाप का प्रेम उससे कम हो जाता है। जो व्यक्ति ज्यादा गुस्सा करता है उसके प्रति धीरे धीरे प्रेम कम होने लग जाता है। याद रखना, प्रेम से प्रेम बढ़ता है, क्रोध से प्रेम नहीं बढ़ता है। इसलिए व्यास गादी निवेदन करती है, चिड़चिड़ स्वभाव मिटाइए। भगवान राम से सब प्रेम क्यों करते थे? क्योंकि राम का स्वभाव बहुत सुंदर था। कैसा स्वभाव था राम का? जब केवट ने राम को मना किया कि नाव नहीं लाऊंगा तो राम ने क्या कहा है? कृपा सिंधु बोले मुस्काए।
ये स्वभाव है, मुस्कुरा कर बोलेगा। राम का स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव तुमको महान बनाता है, तुमको भगवान बना देता है और तुमको पूजनीय बना देता है। जीवन के कोने कोने में स्वभाव का प्रभाव होता है। स्वभाव सुंदर बनाने में एक पैसा खर्च नहीं होता। मकान सुंदर बनाना है तो करोड़ों पैसा लगेगा, गाड़ी सुंदर लाना है करोड़ों रुपया लगेगा, कोई सामान सुंदर लाना है बहुत पैसा लगेगा, कपड़ा सुंदर पहनना है बहुत पैसा लगेगा, लेकिन स्वभाव सुंदर बनाना है एक पैसा नहीं लगेगा, फ्री में सुंदर स्वभाव बनेगा। लेकिन मजे की बात यह है, स्वभाव सुंदर हो जाए तो, स्वभाव सुंदर है तो सुंदर स्वभाव से पैसा बहुत मिलेगा, खूब मिलेगा। यानी पैसा से स्वभाव सुंदर नहीं बनेगा, लेकिन सुंदर स्वभाव यदि बना लिया तुमने तो सुंदर स्वभाव के प्रभाव से पैसा खूब मिलेगा। चलो पैसा पैदा करो, सुंदर स्वभाव करो, तो मंद मंद मुस्कराओ, दिखाओ मुस्करा करके, हो गया मुस्कान। कितने लोगों ने तो 20 साल हो गए मुस्कराए ही नहीं बहुत भयंकर टेंशन में। अमेरिका से एक भक्त से फोन से बात हुई तो बोला 15 साल से हंसा नहीं, 15 साल से हंसा ही नहीं। उसकी पत्नी बोली मैं भी नहीं हंसी हूं। तो मैंने कहा पति भी नहीं हंसा, पत्नी भी नहीं हंसी, तो पति कहाँ फंसा, पत्नी कहाँ फंसी, क्यों नहीं हंसा, क्यों नहीं हंसी, क्या बात क्या है, गरीबी है क्या? अरे बोले क्या बात करते आप श्रीमान जी, गरीबी? दो बहुत बड़े होटल है, समुद्र के किनारे भी होटल है, व्हाइट हाउस के पास में होटल है, 6 पेट्रोल पंप है, क्या बात, बहुत बड़े बड़े स्टोर है। तुमने कहा फिर हंसते क्यों नहीं हो? बोले हंसी आती ही नहीं है, हंसना भूल भी गए हैं। कितने लोग हंसना भूल चुके हैं, कितनी स्त्रियां भी बचपन में खूब हंसती थी, जब से शादी हुई है इतना सीरियस रहती है, डॉक्टर भी देख करके दंग रह जाता है, सोचता है इसको कौन सा रोग है। वो पूछता है स्त्री से तेरे को क्या रोग है, बोलता रोग पता होता तेरे पास क्यों आती, तू खुद पता लगा रोग क्या है। तो डॉक्टर उसके पति से पूछता तू बता रोग, पति बोला जो रोग इसके वही रोग मेरे हैं सब चिंता का रोग लगा हुआ है, चिंता 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 जिंदा को जलाती है, चिता मुर्दा को जलाती है, दोनों में एक बिंदी का फर्क है। चिता से ज्यादा खतरनाक चिंता है, चिता तो जब तुम मर जाओगे तब लाश को जलाएगी, लेकिन ये चिंता जिंदा में ही तुमको जलाती रहती है, रोज जलाती है, रोज जलाती है। चिंता करने से आयु कम हो जाती है। यदि आपका पति ज्यादा चिंतित रहता है तो समझ लेना अब उसकी मृत्यु निकट है। इसलिए हर पत्नी को जिम्मेदारी है पता लगाना चाहिए मेरा पति चिंतित क्यों है, और जो चिंतित है जिस कारण से उस कारण को मिटाइए और पति को हंसाइए, खुश कीजिए, ताकि उसकी उम्र 10 वर्ष बढ़ सके, आपका पति जल्दी ना मरे। क्योंकि पति के मरने के बाद स्त्री का सुहाग मर जाता है, चूड़ियां मर जाती है, पायल की खनकार मर जाती है, माथे की बिंदिया मर जाती है, जिंदगी की चमक दमक मर जाती है, और जिंदगी में उसकी रक्षा करने वाला रखवाला वो मर जाता है। याद रखना गृहस्थ आश्रम में स्त्री का सहारा पति होता है, संत जीवन में शिष्य का सहारा, संत का सहारा उसका गुरु होता है, मनोबल बढ़ता है।
आप देखिए, कोई स्त्री अगर अपने पति के साथ जा रही है तो स्त्री निश्चिंत, पति थोड़ा चिंतित, लेकिन उसका पति साथ में ना हो तो स्त्री को भय लगता है कि मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। और पता नहीं इस पागल हिंदुस्तान में किसका मूड बिगड़ जाए, कब क्या हो जाए, मेरी रक्षा कौन करेगा। स्त्री का शरीर ऐसा है जो रक्षा के कवच कुंडल के अंदर ही सुरक्षित रहता है, और स्त्री का सबसे बड़ा रक्षक उसका पति होता है। इसलिए पति को चिंता में देखना तो थोड़ा सोचना क्या बात है। और यदि आपकी पत्नी चिंतित है, हंसती नहीं है, मुस्कुराती नहीं, तो समझ लेना ये बात भी खतरे से कम नहीं। किसी रोज जहर भी पी सकती हो, किसी रोज मायके वापस भी जा सकती है। कुछ बात है जरूर, कोई कारण होगा। पति को देखकर पत्नी को खुश होना चाहिए, अपनी पत्नी को देखकर पति को खुश होना चाहिए, गुरु को देखकर शिष्य को खुश होना चाहिए। जो शिष्य गुरु को देखकर खुश नहीं होता है, जो शिष्य गुरु के साथ में रहकर भी खुश नहीं है, उस शिष्य के अंदर वासना का सांप घुस चुका है, इसलिए वो खुश नहीं हो रहा। उसको वासना का विषैला सांप डस रहा है, अंदर अंदर बार बार सांप डस रहा है, इसलिए वो खुश नहीं हो पा रहा। अन्यथा गुरु को देखकर तो भगवान भी खुश हो जाते हैं, गुरु को देखकर तो सारी दुनिया खुश होती है। तेरी मंद मंद मुस्कनियां बलिहार जाऊंगे, कितनी खुशी होती है। गुरुवर, तेरी मुस्कान पागल कर जाती है, घायल कर जाती है, कितना खुशी दे जाती है। और याद रखना, मनुष्य कभी खुद की चिंता से चिंतित नहीं होता है। गृहस्थ व्यक्ति अगर उसके बच्चे गलत राह को पकड़ रहे हैं तो पति पत्नी दोनों चिंतित हो जाते हैं कि इन बेटों की जिंदगी का क्या होगा, मन में दुख हो जाता है। इसलिए हर बेटा और बेटी का धर्म बनता है अपने माँ बाप को चिंता मुक्त करे। चिंता मुक्त करिए, उनको खुश करिए। क्या रखा है मोबाइल में, क्या रखा है फैशन में, क्या रखा है नखरों में, क्या रखा है दुनिया के विषय भोगों में। अगर तुम्हारे माँ बाप खुश हैं तो उनकी खुशी ही तुम्हारे जीवन का श्रृंगार है, उनकी खुशी ही तुम्हारे जीवन का श्रृंगार है। माँ बाप को चिंता मत देना, अपने गुरु को भी चिंता में मत डालना। गुरु को हंसाना भी, पति को हंसाना, पत्नी को हंसाना, माँ बाप को हंसाना, खुश कर देना, अपनी बहन को भी खुश कर देना। मैं तो जहाँ जाता हूँ वहीं खुश कर देता हूँ, उसमें क्या मेरा पैसा खर्च होता, कोई पैसा नहीं खर्च होता, मैं खुश हो जाता हूँ, सब खुश हो जाते हैं। और मैं मुँह ऐठूँ तो सब मुँह ऐठ देते हैं। अभी हमको लोग मिलने आए, जरवे गांव के बहुत लोग मिलने आए, सैकड़ों लोग, बड़ा अच्छा लगा। मैं पूछा कहाँ से आए, बोले जरवे। तो हमने कहा गाड़ा डी से कोई नहीं आया, बोले गाड़ा गाड़ा जोहार।